एक एक क्षण, एक एक दिन हमारा इतना सृजनात्मक होना चाहिए कि अपने अपना निर्माण से फुर्सत नहीं भाई। मैं कहता हूं वन डे इक्वल टू वन लाइफ। एक एक दिन इतना बड़ा टारगेट रखो, एक दिन इतना बड़ा टारगेट होना चाहिए सब तरह से। विद्यार्थी काल का टारगेट अलग होता है, बिजनेस का टारगेट अलग होता है, पॉलिटिक्स का टारगेट अलग होता है। यदि वो टारगेट हम अचीव ना करें तो हम फिर स्वामी रामदेव नहीं होगा, आचार्य भाषण आचार्य भाषण नहीं होंगे, पतंजलि योगपीठ पतंजलि योगपीठ नहीं होगा, मोदी मोदी नहीं होगा, अमित शाह नहीं होगा। एक एक दिन का टारगेट अचीव नहीं किया तो फिर सारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक उदाहरण आपके सामने हैं। मैं आज यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैंने एक एक दिन जो मुझे करना चाहिए था वो किया है, इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ। और जब वो टारगेट सामने होता है तो फिर ये सब बातें तो छोटी पड़ जाती हैं। माने जिंदगी को एक डिफरेंट लेवल पर मैं लाना चाहता हूं, मतलब ये एक डिफरेंट लेवल पर, और मैं अपने जैसे पागल, अपने जैसे जुनून रखने वाले, अपनी मेरे जैसी दीवानगी रखने वाले, छोड़ो दुनिया की बात, मैं कभी व्यक्ति पूजा का समर्थक नहीं रहा हूं। मैं तो कहता हूं व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो, चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो। मैं व्यक्तिनिष्ठ नहीं हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं, मैं वेदनिष्ठ हूं, मैं राष्ट्रनिष्ठ हूं, मैं धर्म न्याय निष्ठ हूं, सेवा निष्ठ हूं। लेकिन आपको एक बात कहता हूं, मैंने ठाना है जैसे देश में और हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के काम चल रहे हैं, मैंने ठाना है कि मुझे अपनी ऋषि संस्कृति को बचाना है, उसको बढ़ाना है और उसको इतनी महिमा देनी है, उस देव संस्कृति ऋषि संस्कृति की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा करनी है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति देव संस्कृति ऋषि संस्कृति वेद संस्कृति होगी, भारतीय संस्कृति होगी। अब इसके लिए मुझे, मैंने तो 125 करोड़ के भारत में 1000 आदमी मांगे, यहाँ तो 140 करोड़ की आबादी है, उसमें मैंने कौन सा ज्यादा बड़ा टारगेट रखा हुआ है। लेकिन ये जो 1000 हो वो ऐसे हो कि मेरे मन विचार प्राण आत्मा से एकात्म हो, एक ही धुन एक ही ध्येय, भारत माता मेरी आराध्य है, कर्म मेरा धर्म है, कर्म मेरी पूजा है, बस मुझे अपने कर्म से, मुझे अपने स्वधर्म से, मुझे अपने विद्या धर्म से, मुझे अपने वेद धर्म से, मुझे अपने योग धर्म, अपने सेवा धर्म से, अपने स्वधर्म से, अपने राष्ट्र धर्म से अपनी भारत माता की आराधना करनी, और जिंदगी का कोई ध्येय नहीं है। न जाने कितने लोग किस किस पागलपन में जीते हैं, मैंने हजारों बार इन बातों को कहा है। कुछ लोगों में पागलपन है, मैंने देखा मेरे पास आते हैं, बाबा जी हमको वो कर दो, स्पॉन्सर कर दो। किस बात के लिए? हम पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने का एक पागलपन है। मैंने देखा लोग 40-40 साल खाली पहाड़ों पर चढ़ते ही जिंदगी खपा देते हैं। इनको क्या कहते हैं बोलो? पर्वतारोही। क्या कहते हैं बोलो? क्या एजेंडा है? सुबह से शाम तक पहाड़ पर चढ़ना है, बस पहाड़ पर चढ़ना है। अब तुमको बोलो पहाड़ पर चढ़ना है, बोले स्वामी जी क्यों सजा दे रहे हो, बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ के वहां पता नहीं, और तूफान आते हैं और बर्फीले, और हजारों लोगों की कब्रें वहां बन चुकी हैं, हजारों हजारों लोगों की लाशें बिछ चुकी हैं, फिर भी चढ़ने से नहीं मानते। तो जब हजारों लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के जिद में वहां अपने अपने आप को दफन कर सकते हैं, तो क्या इस अध्यात्म के शिखर पर चढ़ने के लिए लोग अपने आप को दफन नहीं कर सकते हैं, सिर पर कफन नहीं बांध सकते? मुझे तो इसी के लिए जीना है। मनमस्त फकीरी धारी है एक ही धुन, जय जय भारत। जागने का वक्त आ गया, खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। और
उमड़ते दिलों में आज तूफान ही उठ गया, कफन बांध कर ये शपथ ले लिए, सिर पर कफन बांध लिया है कि अब तो यही करना है। भाई देखो, न जाने मैंने कितनी बार भिन्न भिन्न प्रकार से इन बातों को कहा, न जाने कितने जन्मों में हम डॉक्टर रहे होंगे, इंजीनियर रहे होंगे, कितने जन्मों में हम नेता रहे होंगे, अभिनेता रहे होंगे, राजा रानी रहे होंगे। सोच लो ना, तुम कभी विक्रमादित्य थे, तुम कभी चंद्रगुप्त थे। फालतू की बातें हमारे दिमाग में आती रहती है। एक बार तो मुझे पति का प्यार पाना है, पत्नी का प्यार पाना। अरे न जाने कितने बार पति बने, पत्नी बने, ओ हालिया हजारों बार पति पत्नी बने होगे, कितनी बार ही एक्सपीरियंस करोगे। एक बार वो भी तो एक्सपीरियंस कर लो जिसको हम कर रहे हैं, देख लो क्या है चक्कर। कितने बार तुम पति बने, कितनी बार पत्नी बने। तुम मान लो ना, तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जितने भी कोई बड़ा नाम तुम्हारे ध्यान में आता हो, अशोपति थे, तुम्हें जो भी कुछ बड़े राजा महाराजा बनने की इच्छा हो, कोई साम्राज्य खड़ा करने की इच्छा हो, तुमने सब किया था। ये जीवन तो अनादि है और अनंत काल तक रहने वाला है। पहले कुछ कर लिया था और बच जाएगा तो फिर किसी जन्म में हो जाएगा। भाई ये जन्म तो मुझे एक ऋषि की तरह जी करके जीना है, ये भी एक एक्सपीरियंस करना है, कर लो ना, इसको भी क्या दिक्कत है। देखो एक बार ये ठानना पड़ता है। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो मैंने ठान लिया था, भाई ये जन्म चाहे पूरा जन्म लग जाए लेकिन एक बार तो इस भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था को उखाड़ करके दिखाना है, रुकना नहीं है।